हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड हम फिर से आपके साथ हैं नाबार्ड फेज टू की प्रिपरेशन के लिए। और जो मैंने आपसे कल कहा था कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस चीज में लगे रहें कि कट ऑफ क्या होगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और दूसरा हमारे पास रास्ता है कि क्यों ना हम जुट जाएं फेज टू की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जो आपने सपना देखा था नाबार्ड के सिलेक्शन का, वो फाइनल सिलेक्शन का था, वो फेज वन के सिलेक्शन का तो वैसे भी नहीं था। और फाइनल सिलेक्शन फेज टू प्लस इंटरव्यू के में ही होगा। सो टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि रिजल्ट में सिलेक्शन होने के बाद फिर ऐसा ना लगे कि ये टाइम यूटिलाइज क्यों ना किया। पॉजिटिव हो रहना है तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हम डेली डिस्क्रिप्टिव टारगेट लेके चलेंगे, आज उसका डे वन है, क्योंकि दिन आपके पास कम रहते ही रहते हैं रिजल्ट आने के बाद, तो आज से ही शुरू करना है। डे वन है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को टारगेट करना है। सो स्टार्ट करेंगे। बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर, तो चिंता तो अब मैं ये समझता हूँ कि है नहीं। तो हम क्या बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ESI एंड ARD का 50 मार्क्स का ये कंपोनेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। और आप देखेंगे आपको 90 मिनट्स इसमें खर्च करने हैं अपने एग्जामिनेशन में, और 50 मार्क्स का स्कोर यहां से मिलने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से हम करके चलते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, हमने अपने कोर्स में ये ऐड कर दिया है, जो हमारा फेज टू का कोर्स है या नाबार्ड का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, एक्सक्लूसिव कोर्स है। उसमें आप देखेंगे जो फेज टू के अंदर जाएंगे वहां पे आपको ESI एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। उसके साथ हमने एक डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस सेशन बनाया है, जिसमें आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे ARD एंड ESI। यहां पे एक डॉक्यूमेंट ARD के लिए, जिसमें एक आर्टिकल ARD से रिलेटेड, और ESI में एक आर्टिकल ESI से रिलेटेड, और उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन, एक 15 मार्क का, एक 10 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो डेली आपको प्रैक्टिस करना है। देन आज का जो एग्रीकल्चर का है वो टॉपिक है हमारा MSP। आपको ये आर्टिकल पढ़ना है। ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में आया, क्योंकि कल आप देखेंगे गवर्नमेंट ने MSP रिलीज की, MSP फॉर जो हमारा रबी सीजन है, रबी मार्केटिंग सीजन 2024 एंड 25, क्योंकि नेक्स्ट ईयर रहेगा। सो ये MSP का है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आप अगर आर्टिकल की हेडलाइन देखेंगे तो सेंटर रेजेस MSP फॉर रबी क्रॉप्स, फार्मर्स अनहैप्पी, मतलब देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स, कुछ ना कुछ तो है जो वहां पे गड़बड़ हो रही है, या फिर एक्सपेक्टेशंस मिसमैच। तो वो क्या है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कई बार क्या होता है, हम स्कीम्स पढ़ते हैं तो हम एक डायरेक्शन में पढ़ते हैं, बट यहां से हमें एक पूरी कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। बट एक चीज ध्यान रखिए, आपको ऐसा अपने आंसर में नहीं लिखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, बट आपको कंस्ट्रेंट समझने हैं, सो दैट कि कंस्ट्रेंट्स को आप बहुत अच्छे से बता पाए। तो MSP फॉर रबी क्रॉप्स ये आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा, मतलब ये एक टॉपिक है, MSP से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है। हमारे कोर्स में जो MSP से रिलेटेड नोट्स है, वीडियोस है, वो आपको देनी है। हमने ये भी मेंशन किया है कहां पे आपको मिलेगा। इसके अलावा YouTube की जो हमारी वीडियोस है, MSP 10 मिनट्स में हमने डिस्कस किया था, साथ ही साथ MSP का पूरा कांसेप्ट क्या है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है, वो यहां पे, और उसके बेसिस पे ये दो क्वेश्चन आपको आज ट्राई करने हैं। पहले आपको क्या करना है, सारा कंटेंट इकट्ठा करना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सारी चीजें बंद करनी है, फिर लिखने बैठना है। पेन पेपर में मत लिखिएगा, सिस्टम पे ही लिखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको सिस्टम पे ही करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, What is minimum support price? Agencies involved in the and the methods of calculation in the MSP. Agency involved मतलब CACP recommend करता है, announce कौन करता है, Government of India. उसके अलावा कौन stakeholders हैं, वो सब इसमें आएगा। साथ ही साथ में calculations की method क्या है, जो मैंने आपको video दिखाया था उसमें हमने discuss किया है। अभी हम discuss नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर MSP based हो जाएगा। MSP पे एक separate session अभी हमारा शाम तक आएगा, क्योंकि रबी क्रॉप्स की MSP announce हुई है। Then how will MSP help the farmers to ensure the remunerative returns for their produce? कैसे ये ensure करती है? Then next question है, ये 15 marks के लिए आपको try करना है। Then second question है, what is the minimum support price and how does it impact the agriculture sector in India? ये कैसे impact करते? तो इसमें आपको सारी चीजें बताना है। अब देखिए, जब आप 15 mark का question को attempt करेंगे, तो आपको structure पे बहुत ध्यान देना है। आपको देखना है कि इस पार्ट, इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है MSP क्या है, आपको बताना है MSP क्या है, किसके लिए दी जाती है, कितनी क्रॉप्स हैं, कैसे कैसे दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, MSP कब अनाउंस किया जाता है, बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, ये जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपको पूरी बात पता है। देन उसमें कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, और जो मेथड्स है, मेथड बहुत शॉर्ट में आप बता सकते हैं, A2 मेथड, A2 प्लस FL मेथड एंड C2 मेथड। उसके बाद ये कैसे हेल्प कर रहा है फार्मर को टू एंश्योर देयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस,
सीजन के पहले फिक्स कर दिया जाता है, फार्मर को पता है कि जब सेलिंग होगी तो उस समय किस प्राइस में उसका सामान बिकेगा। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको इसमें मेंशन करने, वो आप पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें पता चलेंगी, जितनी भी चीजें आपको पता चलेंगी। और ये डिस्कशन हमारे हम टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी करेंगे, तो वहां पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, वहां पे बेसिकली पॉइंट्स डिस्कस किए जा सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नाबार्ड वाला टेलीग्राम चैनल, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन सिमिलरली ईएसआई में आप देखेंगे ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है, ये इन्फ्लेशन की सजेस्टेड रीडिंग है इसके लिए, और इसके अलावा इन्फ्लेशन क्या है बेसिस, और बेसिक जो अमित सर की वीडियो है उसका लिंक, और उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है, Explain the various types of inflation and what are the tools available with the central bank to manage inflation. समझ गए? पहला part काफी static, second part काफी dynamic. Inflation is believed to one of the major worries for the modern policy makers. Explain this statement on the context of impact of inflation on common men. अब आप समझ पाएंगे। तो ये चीजें हैं, अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी काफी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का मकसद यही था कि आज से ही स्टार्ट कीजिए, टॉपिक देखिए, पढ़िए, और फिर उसके बेसिस पे आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सोचिएगा मत कि हाँ ये क्वेश्चन है, मैं इस पे ये लिख लूंगा, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे ना आपके माइंड में वो आंसर इतना बड़ा बना होगा, बट जब आप लिखने बैठेंगे ना वो दो या तीन लाइन में सिमट जाएगा। ये हमेशा होता है, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो लिखने में चीजें बहुत कम हो जाती हैं, फिर हम जब उसको वर्ड में ज्यादा बढ़ाने के लिए फिर एक ही बात को तीन या चार बार लिखते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो ये थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आज का टारगेट है, एक हार्ड चैलेंज के रूप इसको एक्सेप्ट कीजिए। इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो हमारी स्टार्ट होंगी मंडे से, ये अभी टेंटेटिव शेड्यूल है, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर हम और ज्यादा इसमें क्लासेस करेंगे। फेज 2 का कोर्स नाबार्ड का ऑलरेडी लाइव हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। हमारे कोर्स में बेनिफिट क्या है, डेली टारगेट तो हम आपको देंगे ही, उसके अलावा 5 हम मॉक टेस्ट ऐसे देते हैं जिनको फैकल्टी इवेलुएट करती है। ये क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस के लिए है, बट हमारे जो मॉक टेस्ट है, टोटल 7 मॉक टेस्ट है, वहां पे आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो फैकल्टी इवेलुएट करती है, और जिसमें आपको फीडबैक और मार्क्स दिए जाते हैं, और वो पोर्टल पे ही होता है, उसके लिए कोई वर्ड फाइल पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करनी है, बहुत ईजी और बहुत स्मूथ तरीका है, पूरा का पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। और अगर आप अभी लेते हैं तो आपको 45% ऑफ मिलेगा। क्वेश्चन वही है सर, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे इतना दुख होगा, और एक ये जो पैसा जाएगा तो उसका दुख हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आपको उस कंडीशन में रिफंड मिलेगा, आपको 24 आवर्स के अंदर बताना होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप अपना रिफंड ले सकते हैं। और इसके अलावा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए एग्जामबी की वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।